गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखिए, इसके प्रोग्राम को आप कर चुके हैं कंप्यूटर पे, तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें आपने कैसे क्या क्या यूज़ किया है। तो मुझे यहाँ क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ट्रेपेजॉइडल रूल, हैंस इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 1/x² dx बाई यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। फर्स्टली हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। फिर मुझे एक फंक्शन दे दिया है कि ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करते हुए हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। फर्स्टली हैश इंक्लूड stdio.h, ये किस लिए यूज़ होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। इसमें होती क्या है, एक तो होता है आपका प्रिंट एफ, एक होता है स्कैन एफ। नेक्स्ट आता है आपका कंसोल इनपुट आउटपुट, दैट इज कॉल्ड कॉनियो। फिर आता है आपका मैथ्स। तो देखिए, जो कॉनियो है उसमें कौन आता है, एक तो क्लियर स्क्रीन आएगा, एक गेट सी एच आएगा। फिर मैथ में कौन कौन आते हैं, जितने भी आपके मैथ के फंक्शंस होते हैं जो आपने लास्ट सैम में सेकंड सैम में प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़े थे। अब मैंने क्या किया है, देखिए ये लाइन मैं आपको बताऊंगी आगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने void लिया, main लिया, किस टाइप का, void टाइप का एक फंक्शन है main, जो कैसी आउटपुट देगा, void देगा। यहाँ पे main की ब्रैकेट शुरू। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये float टाइप के हैं, ये int टाइप के हैं। अब अगर मुझे लगाना है क्लियर स्क्रीन, तो वो यही लगेगा। जहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद क्या लग जाता है, क्लियर स्क्रीन लग जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लियर स्क्रीन। अब मैंने आगे प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो प्रोग्राम में देखिए क्या है, फर्स्ट ये लाइन लिखी आएगी आपकी स्क्रीन पे, जो भी प्रिंट एफ के डबल कोटेशन मार्क के अंदर होता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई लाइन आती है। इसमें लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ, पहले एक्स नॉट की वैल्यू दीजिए, देन एक्स एन, और फिर आप नंबर ऑफ सब इंटरवल बताइए। तो ये लाइन जैसे ही प्रिंट एफ में लिखी है, तो देखो ये आपकी आउटपुट में आ गई, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एक्स एन एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल। इस लाइन को पढ़ते ही आप क्या करोगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करोगे जो भी आप एक्स नॉट की वैल्यू देना चाहते हो, एक्स एन की और नंबर ऑफ सब इंटरवल की। अब आपने ये वैल्यू यहाँ लिख दी है 0, 6, 6, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं हुई है, मतलब एक्स नॉट की अगर ये प्लेस थी, ये अभी खाली है, ये एक्स एन था, नंबर ऑफ सब इंटरवल एन था, तो ये भी खाली है। आपने स्क्रीन पे लिख दिया है 0, 6, 6, लेकिन ये इनके अंदर कैसे जाएंगे, तो ये जाते हैं स्कैन एफ से। स्कैन एफ में देखो एक्स नॉट किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का, तो इसलिए परसेंटेज एफ। एक्स एन किस टाइप का था, एफ का, फ्लोट का, तो ये आ गया परसेंटेज एफ। फिर आ गया है हमारा एन, एन किस टाइप का था, इंट टाइप का, इसलिए आ गया परसेंटेज डी। तो आपने जैसे ही लिखा था 0, 6, 6, तो ये क्या करेगा, पहले वाले को उठा के किसके प्लेस पे रख देगा, एक्स नॉट के। तो 0 चला गया एक्स नॉट के पास, जो बीच वाला है एक्स एन वो बन गया 6, लास्ट वाला एन क्या बन गया 6। अब देखो ये कंप्यूटर के अंदर जाके आपकी वैल्यूज फिक्स हो गई है, एक्स नॉट के अंदर चला गया 0, एक्स एन में 6, एन में 6, यहाँ पे हो गया। अब हम h निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए था, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो यही था हमारे पास, h बाय 2 फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट की टर्म ऐड होती थी, फिर प्लस 2 में जो बाकी बची हुई टर्म्स होती थी वो ऐड होती थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, h निकालना था, तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट यही होता था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन निकाल दिया। अब y क्या होता था, y अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ h बाय 2, ये ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला लिख रही हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू में रिमेनिंग टर्म्स, यही था। और f का क्या मतलब होता है, देखो जैसे मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला 1/1 + x² 0 to 6 dx, तो ये तो क्या था x नॉट, ये क्या था एक्स एन जो 6 था, ये अंदर वाला क्या है आपका फंक्शन है f, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है यहाँ पे मेरे पास 1/1 + x². तो आप इसी के अंदर वैल्यू पुट करके निकालते थे ना। तो जब देखो मुझे यही फंक्शन बार बार यूज़ करना है, मुझे हर बार एक्स नॉट की वैल्यू भी इसी में रखनी है, एक्स एन की भी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर जितने भी दिए सब इसी में रख रख के निकालने हैं। जैसे मैं बोल दूँ ना आपको एफ टू निकालो, तो आप क्या करोगे 1/1 + 2² मैं बोलो एफ थ्री निकालो 3² 6 निकालो 6² इसी के अंदर बार बार वैल्यू पुट कर रही है। तो हम ऐसे के लिए क्या कर देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, क्या कर देंगे एक फंक्शन बना देंगे। तो मैंने वो फंक्शन किस नाम का बनाया है, एफ नाम का, इसने जाके रीड किया एफ ऑफ एक्स नॉट,
इसका मतलब एफ के अंदर जाके एक्स की जगह क्या रख दो, एक्स नॉट रख दो। तो अब मेन क्या करेगा, जाके इस एफ को ढूंढेगा कहाँ पे है ये एफ। तो मेन हमेशा ऊपर से ढूंढना शुरू करेगा अपने से पहले। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे बनाई है। इस लाइन में क्या होता है, एफ नाम का एक फंक्शन है, जिस किस टाइप का आउटपुट देगा ये मुझे फ्लोट टाइप के देगा। और इसके अंदर जो आएगा वैल्यू, मतलब जो ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये किस टाइप के रहेंगे, फ्लोट टाइप के ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैच किया f ऑफ x नॉट, यहाँ पे इसे मिल गया। दैट मीन्स देखो ये वेरिएबल, ये सॉरी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है कि आगे ऐसा कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी डेफिनेशन हमने आगे दी है। तो ये क्या करेगा, अब f को जाके जहाँ पे देखो x नॉट है, यहाँ लाएगा x नॉट को। मैं लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे था f ऑफ x नॉट, ये x नॉट किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का। तो ये यहाँ आया, इसने इससे मैच किया, f के अंदर फ्लोट होना चाहिए। क्या यहाँ फ्लोट है, बिल्कुल है। तो ये x जगह क्या रख देगा, x नॉट, इसके अंदर अंदर जाएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ क्या रख देगा, x नॉट, वन अपॉन वन प्लस x नॉट इंटू x नॉट, क्या बन गया, वन अपॉन x नॉट का स्क्वायर बन गया। तो देखो मुझे एक निकालना था, ये क्या बन गया, f ऑफ x नॉट बन गया। तो इसका मतलब जब भी मैं ऐसे निकालना चाहती हूँ, मैं इसमें ला के बस x की जगह वो वैल्यू रख दूंगी, x1, x2, x3, x4, और वहाँ यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आगे वैल्यू आई, रिटर्न करनी है वैल्यू, तो रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ इसे बुलाया गया था, यहाँ बुलाया था ना हमने इसे f को, इसने वैल्यू निकाल ली, फिर ले जाके उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे ही f ऑफ x निकल जाएगा इससे। अब ये तो कौन से हो गए फॉर्मूला के, जो ये दोनों थे। अब बाकियों का क्या करना है, हमें बाकियों को सिर्फ ऐड करना है और टू से मल्टीप्लाई। तो इसलिए देखो मैंने लूप चला दिया, एक्स नॉट चला गया, एक्स एन भी कैलकुलेट हो चुका है। तो आई अब कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, वन से, क्योंकि ये थे एक्स हमारे पास, इसमें से ये भी कैलकुलेट हो गया है, ये भी हो गया, बच कौन से गए, एक्स वन से लेके एक्स एन माइनस वन तक। तो देखो लूप चला, आई इज इक्वल्स टू वन से कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन तक, क्योंकि लेस देन एन है ना, तो एन माइनस वन तक चलेगा। तो पहले क्या करेगा, आई को इसने फिक्स कर दिया वन, आई इज वन। फिर इसने चेक किया क्या आई लेस देन एन है, एन कितना था हमारे पास, सिक्स। तो इसने चेक किया क्या वन लेस देन सिक्स है, ट्रू, तो अंदर आएगा। वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू इंटू f ऑफ x नॉट प्लस i कितना है फिलहाल, 1, तो ये वैल्यू रख देगा 1 इंटू एच। अच्छा y ऊपर निकाला हुआ है ये। तो देखो जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं ना, तो जो रिसेंट में डली है वही यूज होगी। y अभी क्या है, ये है, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ एक्स एन, ये y की वैल्यू थी रख दी, प्लस 2 इंटू f ऑफ x नॉट प्लस h, f ऑफ x नॉट एज इट इज, ये वाला, ये मैं आपको सॉल्व कर दिखा रही हूँ कि क्या बनेगा। जब x नॉट में h ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, x1 पे। जब x1 में h ऐड करोगे कहाँ पहुँच जाओगे, x2 पे। तो इसका ये क्या बन गया, f ऑफ x1। देखो 2 में आके हो गया ना शुरू फॉर्मूला बनना। अब जाएगा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मीन्स i प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज 2। तो अब i की जगह क्या हो गया है, 2 हो गया, i इज इक्वल्स टू 2। फिर इसको कैलकुलेट करेगा क्या ये हमारे पास जो दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कैसा मिला, ट्रू मिला, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन 6, n की वैल्यू 6 थी ना यहाँ पे, तो 2 इज लेस देन 6। फिर अंदर आएगा y इज इक्वल्स टू, अब इस y की जगह देखो क्या आएगा, ये वाले y की जगह अभी पूरा y आएगा, क्योंकि y के पास ये जैसे एक पेज है मेरे पास, इसमें एक ही चीज़ आ सकती है, या तो मैं ये लिख दूँ या फिर इसको मिटा के कुछ और लिख दो, दोनों नहीं रह सकती है। तो अब y की, पहले तो देखो वैल्यू ये थी, लेकिन अब वो चली गई, अब नई वैल्यू इसके अंदर जाके फिट हो गई है। तो अब इस y की जगह पे जो अब ये वैल्यू निकली, ये आके बैठ जाएगी, f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ एक्स एन प्लस टू इंटू f ऑफ x1, ये वैल्यू किसकी है, y1 की। प्लस में अब ये बाकी है अभी भी, प्लस टू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, अब आई कितना है यहाँ पे, टू इंटू एच, ये पूरा एज इट इज, इसको देखते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री,
एक्स नॉट मैच चढ़ किया कहाँ पहुँच गए एक्स वन पे, एक्स वन मैच ऐड किया कहाँ पहुँच गए एक्स टू पे। अगर मैं दो बार ऐड कर दूँ एक्स नॉट में सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे एक्स टू पे, तो ये क्या बन गया इसका मतलब टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स एन एज इट इज प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हो गया। देखो फॉर्मूले में इन दोनों में टू कॉमन ले लूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू, एफ ऑफ एक्स एन प्लस टू कॉमन, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। तो अगर आप यहाँ से जनरलाइज कर सकते हो, देखो फॉर्मूला बनना शुरू हो गया है, फर्स्ट टू टर्म प्लस रिमेनिंग टर्म विद टू मल्टीपल। यहाँ तक मैंने सारा वाई बना लिया है, ऐसे कर करके हम आई कहाँ तक ले जाएंगे एन माइनस वन तक। तो अब लेकिन एक आप इस फॉर्मूले में देखेंगे एक अभी भी चीज़ कम रह गई है एच बाई टू, तो मैं क्या करूँ, ये पूरा नया वाई बन चुका है ना, इस y को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ h बाई टू से। तो देखो इसने ये किया है y इज इक्वल्स टू एच बाई टू इन टू वाई, कि जो भी आपका y निकल के आया है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो h बाई टू। y आ गया, फिर मेरे को इसको प्रिंट करना है, प्रिंट f वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज परसेंटेज f की जगह आप क्या आके बैठ जाएगा y, गेट सी एच लगा दिया फ्री कर दिया, तो अब आउटपुट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इसको रीड आउट कर लें, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।